पेशावर से कुहाट, कुहाट से करक, करक से बनू, और ये हम पेशावर से कुहाट जा रहे हैं। ये वाया इंडस हाईवे, पेशावर से कुहाट मेरा पहला सफ़र है वैसे, वाया इंडस हाईवे। कुहाट तो वैसे कई दफ़ा गया हूँ लेकिन ये पहला सफ़र है, देखते हैं कैसा रहता है, इंजॉय होता है नहीं होता है, ट्रैफिक के मामलात। और इस पे सुना है कोई टनल भी आती है, उस टनल को भी देखते हैं और बनू पहुंच के बताया जा सकता है कि सफ़र कैसा रहा। ये कहीं कहीं से जीटी रोड पे डाइवर्जन लगी है क्योंकि इस पे काम हो रहा है, इसमें एक लाइन उन्होंने ऐड की है नई, इसको वन वे भी किया है। पहले ये एक साइड चलती थी, अब ये एक नई लेन ऐड हुई है इसमें, अभी इसके ऊपर काम जारी है। ये देखिए ये डाइवर्जन है, ये जगह जगह पर डाइवर्जन है। अगर बंदा ये माइंड में रख के आए कि मैंने दो घंटे में कुहाट पहुंच जाना है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, इसमें कम से कम आपको दो से ढाई घंटे का मार्जिन होना चाहिए आपके माइंड में, कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक भी हो सकती है। ये सामने बल्कि उनका नाका लगा हुआ है, ये एक्सी वालों का, वो चेक कर रहे हैं। ये भी हमने नाका क्रॉस किया और ये फिर डाइवर्जन और रोड सारी ख़राब है, कहीं कहीं से पैचेस बने हुए हैं। टाइम हो गया 4:15, आगे न्यू एसाखेल कोच, सफ़र जहाज दे लुट गए साखों हुआ। अच्छा, ये आगे पहाड़ आ गए और यहाँ से टनल, फ्रेंडशिप टनल नाम है उसका, जब हम टनल से गुजरेंगे तो हम उसकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, एकदम से बड़े अच्छे से पहाड़ हैं, बड़े बड़े हैं। जब होगी तो बहुत मज़ा आएगा कि आप फटाफट जो है ना यहाँ से कुहाट, कुहाट से करक, करक से डीजी खान, डेरा इस्माइल खान, तौसा, ठीक है, और फिर आए कश्मीर तक, बड़ा आसानी से सफ़र हो सकता है। टनल है और इस पहाड़ के फौरन बाद कुहाट है, और बहुत ही प्यारा सीन है ये। शायद कैमरा उस लेवल पे कैप्चर नहीं कर सकता लेकिन आंख से देखा जाए तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, रोड अभी इन्होंने एक्सटेंड की है, वन वे बनाई है, ये अभी कंप्लीट नहीं बनी, जब बन जाएगी इंशाल्लाह। ये वन वे हो गया यहाँ से, आवाज़ आ रही है,
एक्ट जिसमें एक उसने पीस एग्रीमेंट में आ गया है और एक्सेप्ट कर लिया पूरे सफारती ताल्लुकात के लिए।
पास कर ली है और ऑलमोस्ट ये 2 किलोमीटर है। पहली लाइन के साथ साथ चले आगे हैं कोहाट, यहाँ है 17 किलोमीटर टोटल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कोहाट पहुँच के, तो दुआ करिए खैरियत से पहुँच जाए। उम्मीद है आप लोग भी इंजॉय किया होगा इस वीडियो को। आप लोगों ने सब्सक्राइब करने का आपका जिसका दिल हो कर लें, नहीं दिल है ना करें कोई इशू नहीं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको बता दिया जाए, बताया जाए कि इस रोड पर कितना टाइम लगता है और कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा, और इस रोड को अभी यूज़ करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। खैर, हम तो इस्लामाबाद से आ रहे हैं और हमने जाना बनू है, हमने ये रास्ता चूज़ किया आज जाने के लिए। तो हम बाईपास से डन कर जाएंगे जैसा कि गूगल बाजी ने बताया। ये दरा आदम खेल है और ये सामने जो है चौकी है, रेंजर्स की है, और यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकता, इसके बाद दोबारा आप मिलते हैं। ये वतन होटल नमकीन खानों का वैद मरकज, ठीक है, और यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, चाय पियेंगे और फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। होटल है, यहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह भी है, मस्जिद भी है और पेट्रोल पंप भी है और लेडीज़ के लिए इंतज़ाम भी है। ये अभी हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, बस पर रुकी है और हमारे पीछे एक गाड़ी भी आ रही है। बस कर बहुत जगह सर, और जितना हम तेज आ रहे थे उतने यहाँ पे स्लो हो गए। क्या है यार, खंबा गिरा हुआ, खंबा कौन उठाएगा, वापदा वाले को तो कल आएंगे। खैरियत रखिएगा, परेशान ना करवा। थोड़ा सा आई था, नहीं ठीक था वो, लेकिन उससे नहीं, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा बल्कि सा मतलब फैटी लग रहा था ज़्यादा। ये ज़्यादा है, मुलाकात होगी।